हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में सीखेंगे एनिमल हैबिटेट्स के बारे में। तो हम अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल देखते हैं, लेकिन सभी एनिमल्स हर जगह नहीं पाए जाते। कुछ एनिमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं, कुछ ठंडी जगह और कुछ पानी में। हैबिटेट्स वह जगह होती है जहाँ एनिमल्स रहते हैं। ऑल एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू द कंडीशंस ऑफ देयर हैबिटेट्स फॉर देयर सर्वाइवल। दिस एडजस्टमेंट टू सूट द कंडीशंस ऑफ देयर टेरिटरीज इज कॉल्ड एडेप्शन। एडेप्शन क्या होता है? एडेप्शन वो कंडीशन होती है एनिमल को जो उस एनिमल्स में होती है वो सर्वाइव करने के लिए। जैसे कि हर एनिमल में अपनी एडेप्शन होती है अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। जैसे कि कैमल हो गया, बियर हो गया। कैमल के अंदर एक अडेप्शन है कि वो गर्मी के अंदर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और बियर के अंदर, पोलर बियर के अंदर अडेप्शन है कि वो सर्दी में सर्वाइव कर सकता है। सम एनिमल्स हैबिटेट्स आर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एरबोरियल। तीन पार्ट से हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। वो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। लायन, टाइगर, ह्यूमंस, स्नेक्स, रैट्स, ये सभी क्या हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं। हैबिटेट्स इन विच द टेरेस्ट्रियल एनिमल लिव आर नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। दे लिव मोस्टली ऑन लैंड एंड हैव लंग्स टू ब्रीथ इन एयर। डेजर्ट एडेप्शन, यानी कि डेजर्ट में रहने के लिए एनिमल्स की क्या क्या एडेप्शन होती है। कैमल जैसे एनिमल के पास खास एडेप्शन होती है जिससे वो डेजर्ट में रह सकता है। तो काफ़ी समय तक बिना पानी पिए सर्वाइव कर सकता है। सम डेजर्ट एनिमल बिकम इनएक्टिव एंड गो इनटू अ लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स टू प्रिवेंट द लूज ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को गर्मी में बचाने के लिए इस अपने उस डेजर्ट में, उस एनवायरनमेंट में इनएक्टिव हो जाते हैं काफ़ी समय तक। द इनएक्टिविटी शोन बाय सम एनिमल्स ड्यूरिंग समर मंथ इज कॉल्ड एस्टिवेशन। पोलर रीजन एडेप्शन, एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन शो एडेप्शंस दैट हेल्प देम टू सर्वाइव देयर। एनिमल्स सच एज पेंगुइन एंड वॉलोसिस हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड बल्बर अंडर देयर स्किन। सम कोल्ड रीजन एनिमल्स बिकम इनएक्टिव एंड गो इन टू लॉन्ग स्लीप टिल विंटर मंथ्स आर ओवर। द इनएक्टिविटी शोन बाय सम एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर मंथ्स इज कॉल्ड हाइबरनेशन। एक्वेटिक हैबिटेट्स, वो एनिमल्स जो पानी में रहते हो। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। फिश, क्रैब्स, टर्टल, ऑक्टोपस एंड व्हेल्स आर एक्वेटिक एनिमल्स। और इनकी एडेप्शन क्या है? एक्वेटिक एनिमल हैव फिन्स दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। सम एनिमल्स सच एज टर्टल्स हैव पैडल्स इंसर्टेड ऑफ फिन्स दैट हेल्प देम टू स्विम। सम एक्वेटिक एनिमल्स सच एज द व्हेल्स हैव लंग्स इंस्टेड ऑफ गिल्स सो दे कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ। सम एनिमल्स कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। वो एनिमल्स जो लैंड पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग एंड टॉड्स। एर्बोरियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्री आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स। वो एनिमल्स जो पेड़ पे रहते हों उन्हें क्या कहते हैं हम? एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। मंकीज, बर्ड्स, कैमोलियंस, ट्री लिजार्ड्स, ये सभी क्या हैं? एर्बोरियल एनिमल्स हैं। एरियल एनिमल्स, सम एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर। सम एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो हवा में ही निकालते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एरियल एनिमल्स कहते हैं। बॉडीज ऑफ एरियल एनिमल्स आर अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग इन द एयर। देयर बोन्स आर लाइट एंड होलो। उनकी बोन्स काफ़ी हल्की होती हैं जिसके कारण वो उड़ सकते हैं।
They have a streamlined body shape which helps them to cut through the air easily. Some birds fly to warmer places during winter to look for food. Some special animal adaptations. Animals like chameleons, gorgons, lizards, and some fish hide from enemies by changing their body color to the color of their surroundings. This is called camouflaging, and it helps the animals to blend with their environment. Protecting animals and their habitats. Animals are an important part of our environment. एनिमल्स हैं हमारे इन्वायरमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, हमें उन्हें बचाना चाहिए. व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन मैनी एनिमल्स लोज देयर हैबिटेट्स. जब फॉरेस्ट को हम काट देते हैं तो कई एनिमल्स अपने हैबिटेट्स को, अपने निवास को खो देते हैं. मोर ओवर कटिंग ट्रीज क्रिएट एन इम्बैलेंस इन नेचर ऑल्सो, देयर फॉर वी मस्ट नॉट कट फॉरेस्ट. और कुछ प्रॉब्लम जो है वो पॉल्यूशन से भी आती हैं. जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो केमिकल हैं, वो पानी में डिस्चार्ज कर देती हैं, और जो पानी वो एनिमल्स पीते हैं वो जिससे बीमार हो जाते हैं और कुछ एनिमल्स की मौत हो जाती है. हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज अनदर बिग कंसर्न. इट आल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ एनिमल्स अक्रॉस द वर्ल्ड. सम एनिमल्स आर नो लॉन्गर सीन ऑन द अर्थ, दे आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स. डोडो बर्ड एंड डायनासोर आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स. देयर आर सम एनिमल्स दैट मे सून बिकम एक्सटिंक्ट इफ प्रॉपर मेजर्स आर नॉट टेकन, दे आर कॉल्ड इनडेंजर्ड एनिमल्स. इनडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? जो खत्म होने वाले हैं, अगर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो जल्द ही खत्म हो जाएंगे. जैसे कि इंडियन राइनोस, टाइगर एंड जियांट पांडाज आर सम इनडेंजर्ड एनिमल्स.